हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ आसान कुकिंग के टिप्स। पहला टिप्स, खाना बनाते समय लहसुन को छीलना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है और इस काम से टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। लहसुन को छीलने की मुश्किल को आसान करने के लिए आप क्या करें कि 30 मिनट खाना बनाने से 30 मिनट पहले आप लहसुन को पानी में भिगो कर रख दें और खाना बनाते समय इन्हें पानी से निकाल कर फटाफट छील लें। ऐसा करने से सारे लहसुन एक मिनट में आपके छिलकर तैयार हो जाएंगे। दूसरा टिप्स है हमारा, जमे हुए घी को डब्बे से कैसे आसानी से हम इसमें निकाल सकते हैं। तो आप क्या करें कि स्टील की कोई चम्मच को आप थोड़ा सा गर्म कर लें, गर्म करके आप उसको घी निकालें। ऐसा करने से डब्बे से घी आसानी से निकल जाएगा और घी में बार बार गर्म करने के कारण उसमें जो मौजूद गुटपेट भी नष्ट होने से बच जाएंगे। तीसरा है हमारा, सर्दियों के दिनों में नींबू का रस निकालने में बहुत ज़्यादा ही परेशानी होती है। इस परेशानी को दूर करने के लिए नींबू को कुछ देर तक गर्म पानी में रख दें, उसके बाद आप नींबू निचोड़ें। ऐसा करने से नींबू का पूरा रस आसानी से निकल जाएगा। एकदम बाजार जैसी खिले खिले चावल वाली बिरयानी बनाने के लिए चावल को उबालते समय इसमें आप एक चम्मच नींबू का रस और थोड़ा सा तेल डाल दें। ऐसा करने से चावल एकदम बिखरा हुआ खिला खिला बनेगा। टिप्स नंबर 5, दूध को जल्दबाजी में उबालते समय अक्सर क्या होता है ना कि पतीले से दूध निकल जाता है और हमारी जो मेहनत हो ना वो भी दुगनी हो जाती है। इस परेशानी को दूर करने के लिए आप क्या करें कि जब आप दूध गलने से पहले जो आप पतीला ले या फिर भगोना कुछ भी ले उसके किनारे में आप थोड़ा सा घी या मक्खन लगा दें। ऐसा करने से जो है दूध उबल कर जो है बाहर नहीं आएगा और आपको घंटों आपको गैस को साफ़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जब भी आप घर पर पनीर बनाएं तो आप क्या करें, जो बचे हुए पनीर का जो पानी होता है ना उसको आप फेंकने की बजाय इसे आटा गूंथने में प्रयोग करें। ऐसा करने से रोटी मुलायम और फूली फूली बनेगी। इस पनीर के पानी का प्रयोग आप सब्जी की ग्रेवी को ही बनाने में भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी सब्जी में काफ़ी स्वाद बढ़ जाएगा। 7वां टिप से हमारा, पकोड़े को स्वादिष्ट और कुरकुरा बनाने के लिए बेसन के घोल में एक पैकेट मैगी मसाला, 4 चम्मच चावल का आटा और थोड़ा सा गरम तेल अवश्य मिला दें। ऐसा करने से पकोड़े का स्वाद और कुरकुरा दोनों ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पकोड़े को स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए इन्हें सर्व करते समय इन पर ऊपर से चाट मसाला छिड़क दें। ऐसा करने से पकोड़े का स्वाद दुगना हो जाएगा। टिप्स नंबर 8, नूडल्स बनाते समय अक्सर इनकी चिपकने की समस्या आती है। नूडल्स के आपस में चिपकने की समस्या को दूर करने के लिए नूडल्स को उबालते वक्त पानी में थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा नमक डाल दें और उबालने के बाद नूडल्स को ठंडे पानी से धो लें। ऐसा करने से नूडल्स चिपकेगा नहीं और बनाने पर एकदम बिखरे बिखरे बनेंगे। 9वां टिप्स हमारा, आलू का पराठा बनाते समय यदि आलू का मसाला गीला हो जाता है या फिर आपका जो पराठा है साइड से निकलने लगता है तो आप क्या करें, इस समस्या को दूर करने के लिए ब्रेड को मिक्सर में पीस लें, ब्रेड का क्रम्स बनाकर तैयार कर ले, इसे आलू के मसाले में मिक्स कर ले। ऐसा करने से आपका पराठा साइड से फटेगा नहीं। यदि आपके पास घर पर ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप इसे मार्केट से भी ले सकते हैं। ब्रेड को साफ करने के लिए एक कटोरी में पानी ले, उसमें 1 चम्मच नींबू का रस डाल दे। अब इस पानी को जो है आप क्या करें, माइक्रोवेव में रख दे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए आप जो माइक्रोवेव को ऑन कर दे, उसके बाद 5 मिनट के बाद आप इसे बंद करके इसमें इसे जो किसी टॉवल से या फिर किसी पेपर से इसे साफ करें। ऐसा करने से माइक्रोवेव एकदम नया जैसा हो जाएगा। 11वां टिप्स हमारा, बाजार जैसी करारी आलू की टिक्की बनाने के लिए आलू के मसाले में एक उबला हुआ कच्चा केला, थोड़ा सा अरारोट पाउडर मिला दें। इसको अच्छी तरीके से डाल के मिला के बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर ले, उसके बाद इसकी क्या बनाए। ऐसा करने से आलू की जो टिक्की है ना बहुत ही बाजार जैसी करारी और एकदम स्वादिष्ट बनेगी। 12वां टिप से हमारा, जब भी घर में बासी ब्रेड बच जाए तो आप इसे फेंके नहीं, आप क्या करें एक मिक्सर जार में डाल के उसका जो ब्रेड क्रम्स तैयार कर ले। इसे आप क्या करें एयर टाइट डब्बे में भरकर स्टोर कर ले। जब भी आपको कटलेट या कबाब बनाना है तो आप इसे जो है निकाले और बस इसमें लपेट कर उसको फ्राई करें। ऐसा करने से जो है ना कटलेट का या फिर कबाब जो है ना कुछ भी बनाइएगा बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा, ऊपर से क्रिस्पी भी बहुत ज़्यादा बनकर तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये टिप्स कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ ही मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, इससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। आप मेरे आसान कुकिंग का और आसान टिप्स का फ़ायदा उठा पाएंगे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, अगर आप कहाँ से बोल रहे हैं, आप मैं जानना चाहती हूँ कि आप है कहाँ से, कौन से एरिया से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप मुझे अपने एरिया का नाम बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कौन सा टिप्स अच्छा लगा वो भी मुझे जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।